तो गाइज मैं आज एक्चुअली एक ऐसी जगह में जा रहा हूँ जिसका डेस्टिनेशन नहीं है। मैं एक ही रोड पे जाऊँगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ मैं बाय रोड जाऊँगा, देखते हैं क्या मिलते हैं। तो हेलो गाइज, हाय, दिस इज़ मी माई सेल्फ डी जिंकीनाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका ज़रूर दीजिए। तथास्तु। एक मिनट। तो मैं अभी ऐसी एक जगह में रुका हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा सराउंडिंग और भूख भी लग रहा है। मैं थोड़ा सा टिफ़िन भी लेके आया था तो वही अभी खाएंगे तो आगे चलेंगे। तो चलिए कुछ खा लेते हैं और उससे पहले मैं आपको ये एनवायरनमेंट दिखा देता हूँ सराउंडिंग। तो अभी मैं जस्ट खा के निकल चुका हूँ, अभी आगे जाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। ये एक छोटा सा टी गार्डन है, अभी जस्ट प्लांट बैठाया ही है तो टाइम लगेगा, अगर होने से तो बहुत बढ़िया दिखेगा। रास्ता तो ठीक ही है, कुछ कुछ जगह में टूटा हुआ है सड़क काफी हद तक, बाकी सब ठीक है। ये एक्चुअली जंगल साइट है, अभी भी असम बॉर्डर में ही है हम, और कुछ दूर जाने के बाद आपको मेघालय बॉर्डर मिलेगा। फाइनली मैं असम और मेघालय बॉर्डर पहुंच चुका हूं, यहां से आपका मेघालय पड़ता है, यहाँ से आपका मौस्किलुम पड़ता है, ये ग्लास गांव है, यहाँ से आपका रास्ता नहीं है और बट कच्चा रास्ता है, पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं जाएगा, बाइक भी नहीं जाएगा, कोई कुछ भी नहीं जाएगा, जस्ट यू कैन गो फॉर ए वॉक। एक्चुअली जब पहाड़ में चढ़ते हैं तब मेरा कान बंद हो जाता है, सुनाई नहीं देता है कुछ भी, और ये ऊपर से गाड़ी भी आ गया तो साउंड क्वालिटी थोड़ा कम होगा। जस्ट वेट सम टाइम। कम से कम 150 किलोमीटर गुवाहाटी टू मेघालय बॉर्डर। मेघालय बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी मैं कम से कम तकरीबन 40-50 किलोमीटर में फिर अंदर गया। गुवाहाटी से यहाँ तक 120 से लेके 150 किलोमीटर तक ज़रूर होगा, और 400 रुपये का पेट्रोल डाला हमने, और उसके बाद सोचा था कि कुछ ना कुछ तो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो हम आया, बाइक उठा के आया, अकेले आया, तो प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं इतना दूर ट्रेवल करने के बाद मैं आपको कुछ भी दिखा नहीं पाया, उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।
और जितना भी मैं आज तक वीडियो किया हूँ, कोई ना कोई डेस्टिनेशन जरूर होता है। अनफॉर्चुनेटली आज विदाउट डेस्टिनेशन मैं एक ऐसी जगह में गया जो जगह मेरा जहन में था, दिमाग में था, मगर मैं नहीं गया था कभी। और फॉर्चुनेट हूँ कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा, आज उस रोड पर आया मैं। और इसी रोड से जो मैं रोड आपको दिखा रहा हूँ, ये रोड आपका डायरेक्ट मेघालय जाता है, नोंगपो साइड भी निकल सकता है, मालूम नहीं मैं उस साइड गया नहीं, जो बॉर्डर था वहाँ से राइट टर्न ले लिया। बॉर्डर मतलब असम और मेघालय बॉर्डर नहीं, असम और मेघालय बॉर्डर क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे जाके एक मार्केट मिलता है और वो जगह से आपको राइट टर्न लेना है, जहाँ पे मौसिक बोल के एक जगह मैं पहुँच गया हूँ। जो वो मौसिक जो विलेज है, ये आपका उस एरिया का लास्ट बॉर्डर है, मतलब उसके आगे आपको रास्ता और नहीं है। मैं आपको दिखाया भी था सराउंडिंग, जो तीन चार बच्चे थे और कोई लेडीज़ भी थे और दो चार आदमी भी थे, तो वो जगह बॉर्डर में पहुंच गया। और हम सोचा कि एक्चुअली अभी देर भी हो रहा है और हमको गुवाहाटी भी पहुंचना है, और वो रोड पे जो जिस रोड पे हम गए थे, वो रोड पे आपको पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा, जस्ट आपको रानी में ही मिलेगा और दो चार जस्ट दुकान है, और शायद आज संडे है इसीलिए दुकान बंद होगा, और बाकी कुछ भी नहीं है। आपको खाने पीने का सिर्फ जो चाराली मिला था हमको, वही थोड़ा सा चाय पिया और बाकी बिस्किट विस्किट कुछ खाया, और बाकी वैसा होटल आप एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वहाँ पे आपको अच्छा चीज़ खाने को मिलेगा, चाउमीन या फास्ट फूड जो होता है वो आपको मिलने का चांस बहुत ही कम है। और संडे बोल के सब बंद है शायद इसीलिए हमको नहीं मिला। आप जिस दिन खुला रहेगा उस दिन आने से आपको शायद बेटर होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही था वीडियो। 6 मिनट का वीडियो या 6 मिनट से लेकर 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कम से कम मेरा टाइम का खर्चा गया, मान लीजिए मैं घर से निकला था 7 बजे, तो 7 बजे से लेकर अभी 11 PM हो रहा है, तो इतना टाइम अभी तक मैं यहाँ पे ही हूँ वीडियो बनाने के लिए। ऊपर से पैसा गया और टाइम तो गया ही, बस कुछ खाया पिया कुछ नहीं, ऐसे ही मैं उठा के चल दिया, बाइक लेके चल दिया और कुछ नहीं है, बस दैट्स इट। फिर भी दिल का सुकून है, आप लोगों को दिखा नहीं सका कुछ भी ऐसी चीज़ जो मैं दिखाना चाहता था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा जगह एक मिलेगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ आपसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छा कंटेंट देने के लिए, अच्छा लोकेशन देने के लिए, अच्छा वीडियो देने के लिए। ठीक है, बस आज तक इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आयो, बाय बाय।